अपने राम वाले कुमार विश्वास। आ जाओ सब चले आओ इस जगह सभी को, अपने अपने राम मिलेंगे। राम काज कर दे बिना मोई कहा। जय श्री राम। आपके शब्दों में सोता हुआ सनातन जाग रहा है। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। बजाया जाए ढोल। भारत काम कला निधि कोट काग के भाग बड़ी सजनी हरी हाथ से ले गाओ माखन रोटी। दहिया पी गए चलो अब लौट चले रघुराई। नमस्कार व्यूअर्स, इस समय हम राम की पेड़ी पर हैं और राम की पेड़ी पे मेरे साथ मौजूद हैं अपने अपने राम वाले कुमार विश्वास। तो जोरदार तालियों के साथ जय जय सियाराम। सियाराम के उद्घोष के साथ अभिनंदन करिए कुमार विश्वास का। तालियां जोरदार होनी चाहिए। जय सियाराम। कुमार भाई अभिनंदन है, पग पर चप्पल नहीं है लेकिन राम काज करने को आप आतुर हैं। राम काज करबे बिना मोई कहा। तो चप्पल तो अमिश भाई इसलिए नहीं है कि ये बहुत सारे लोगों को पता भी है देश में भी जी कि मैं ब्रज में और अयोध्या जी में चप्पल नहीं पहनता, पहले से नहीं पहनता। बचपन में हमारी माँ जो हमारे गांव में बस जाती थी ना तीर्थों की, तो उसमें टिकट बुक करा के सब भाई बहनों को लेके गई वृंदावन। तो जैसे ही ब्रज आया और उतरने का समय आया, उन्होंने सबसे कहा चप्पल उतारो, जूते उतारो, और लेके संदूक में बंद करके और उसे जंजीर से बांध दिया। बोले अब चलो। तो हमने कहा माई चप्पल, बाहर तो ठंड लगेगी। उन्होंने दी चपत पीछे से। उसने कहा कि अरे जिस जमीन पे भूमि पे स्वयं भगवान चले हों, अरे उनके छुआ हुआ एक कण भी तुझसे छू गया तो तेरा जन्म सफल हो जाएगा। बहुत बहुत सोच के हम ऐसे ही घूमते हैं। लेकिन आपने इस देश में राम कथा का एक नया चलन शुरू किया और मैं ये बात इसलिए आज आपको कह रहा हूं क्योंकि अपने अपने राम जब आपने शुरू करा और पूरे देश भर में उस भ्रमण करा और शायद उस समय आपको किसी ने ये भी कहा होगा अरे भाई अभी राम का नाम क्यों ले रहे हो, कहीं काम ना बिगड़ जाए तुम्हारा। नहीं, लोगों ने ये भी कहा कि अच्छे खासे कवि हो, नंबर वन के कवि हो, सबसे ज्यादा मार्केट है और हमारा अध्यात्म पे बोलोगे तो ये जो यूथ आइकन का टैग है ये हट जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं जिस आइकन पे बोलने जा रहा हूँ सारे टैग उसी में समाते हैं जो राम नाम है। तो ये तो नाम ही ऐसा है, रमेतीति रामः, जो रमण करता है वो राम है। और हम तो यहाँ मैं 30-35 वर्ष से आ रहा हूँ, जब वो कभी चप्पल नहीं डाली आपने। अवांछित पत्थर यहाँ उगे हुए थे, 500 साल पहले कुछ आता था ही लगा गए थे, वो पत्थर भी मैंने देखे थे। उस समय गुस्सा आता था, फिर जब उसकी सफाई हो गई, जैसा अटल जी ने कहा था कार सेवक आएंगे भजन करेंगे, अब भजन बैठे बैठे तो खड़े खड़े तो होता नहीं है तो बैठेंगे। तो फिर जब टेंट में रामलला थे तो गुस्सा आता था, ग्लानी होती थी, यार बताइए इतने इतने हजारों वर्षों से लोगों के मन प्राण में बसने वाली चेतना और राजनीतिक कारणों से इतने अपने में, और आज अयोध्या की सड़कों पर जो नृत्य चल रहा है, मुझे लग रहा है कि भगवान जब 14 साल बाद लौटे होंगे तब भी शायद यही जादू रहा होगा ऐसा ही जैसा आज चल रहा है अयोध्या की सड़कों पर। तो जब आप ये जब आपने ये दृश्य देखा तो मन का भाव क्या था? मन का भाव मेरे ये था कि सीता के रघुनाथ लखन के, तालियों के साथ साथ दीजिए, भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के रघुनाथ लखन के, भैया सुख के धाम मिलेंगे। सीता के, जब तक सब नहीं गाओगे मैं यही गाऊंगा, सीता के रघुनाथ लखन के, भैया सुख के
धाम मिलेंगे, आ जाओ सब, चले आओ सब, आ जाओ सब, चले आओ इस जगह सभी को, अपने अपने राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, गाइए, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरे राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, राम मिलेंगे, बोल सियावर रामचंद्र भगवान जय। किसी के राम है, केवट के राम है, शबरी के राम है। मैं आपसे पूछता हूँ कुमार भाई, आपके राम कौन से हैं? मेरे राम मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने, गाओ, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, जिव्यावाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, मात पिता गुरु जन परिजन ने अपने अपने देखे थे, दुनिया भर ने तालियों के साथ शादी, दुनिया भर ने देखे अपने 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 राम, अपने 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 राम, मंगल भवन या मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, अपने 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 राम, बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलिए अब राम से थोड़ा राम राम नीति से थोड़ा राजनीति की तरफ भी आते हैं। कहाँ ऐसा विषय ले आया मिश्री? अब लाना तो पड़ेगा ही, क्या करें, पब्लिक भी चाहती है आपको सुनना। आपने 5 साल पहले एक साक्षात्कार किया था मेरे साथ, बड़ा लोकप्रिय हुआ। हाँ, अभी भी लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, तो मैं उन सब चीजों पर भी आऊंगा। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी आरएसएस इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, राम तो सबके हैं। अच्छा देखो जी, एक बात बताओ मुझे, स्टेडियम में जब इंडिया की टीम खेल रही होती है जी, तो 11 खिलाड़ी खेलते हैं, बिल्कुल, देखने आते हैं 2 लाख जी, जब लास्ट बॉल पे छक्का मार के इंडिया का खिलाड़ी जिताता है तो वहां खड़ा हुआ हर नागरिक सेल्फी लेके अपना फोटो लगाता है कि मैं भी खड़ा हुआ था वहां जी, पर जी। तो अगर जी जी, तो अगर किसी खिलाड़ी के टाइम में वर्ल्ड कप फाइनल जीत गए तो वो खिलाड़ी बल्ला नहीं लहराएगा कि देखो मैंने जिता दिया, मैंने जिता दिया जी। अब उस बल्ले की चपेट में आ जाओगे तुम तो चोट भी लगेगी और गाली भी खाओगे, क्या फायदा है?
कुछ हमारे मित्र ऐसे हैं जिनमें मेरे भी मित्र हैं, आपके भी मित्र हैं, रोज रात आप भी दांत घिसते हो उनके साथ रोज, हाँ वो मुर्गे लड़ाते हो ना आप अवध के नवाबों की तरह, और फिर जो कम लड़ता है फिर उसको पीछे से कुछ कुछ लड़ता क्यों नहीं है, आप रोज काम ये करते हो। पहले हम भी आपके साथ करते थे जी जी जी, पर फिर भगवान ने हमारा उद्धार कर दिया और हम यहाँ आ गए। देखिए उद्धार वहीं हुआ है, वहीं से हुआ है शुरू। नहीं नहीं, देखिए राम ना होते ना जीवन में जी। अगर अध्यात्म ना जाना होता, माँ से ना पड़ी होती मानस, तो आज हम सरयू के किनारे बैठकर यह पुण्य ना भोग रहे होते, हम भी दारू का हिसाब दे रहे होते कितनी कहाँ गई कैसे गई। ये भगवती की कृपा है, सरस्वती की कृपा है, इनकी कृपा है जिनके दरबार में बात है, ये तो उन्हीं की कृपा है। खूब खूब चुनाव लड़े, एक दूसरे के खिलाफ हरा दें, सरकार बना लें, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में, जहां जहां बनानी है सब बनाएं। लोकतंत्र में अच्छा काम है, लोकतंत्र की रोटी अलटती पलटती रहनी चाहिए। ये किसने कहा? लोहिया जी ने, समाजवाद के बड़े नेता। बिल्कुल। और लोहिया जी की बहुत बड़ी किताब है, आप सब जरूर पढ़िएगा सब दर्शक, राम कृष्ण और शिव, हमारे समाजवादी मित्रों को जरूर पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा ये तीन लोग इस देश की प्राण वायु हैं, अब आप सांस ही लेना बंद कर दोगे फिर मैं मर गया। अब आप ये बताइए, कोई मुझसे कहता है मंदिर फला पार्टी ने बनवा दिया, फला प्रधानमंत्री ने बना दिया, फला मुख्यमंत्री ने बना दिया, त्रैलोक्य के स्वामी का घर बनाने की औकात अभी किसी प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री की हुई नहीं है। ये बनाएंगे जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, जिसकी रचना चांद तारे ये जमी सोचो जरा, उसका मंदिर तुम बनाओगे अमा सोचो जरा। हम सबको, प्रधानमंत्री जी को, प्रतिपक्ष के नेताओं को, जिनका नाम ही शंकर पर है मल्लिकार्जुन जी, जिनका नाम राम पर है येचुरी जी सीता राम जी, और जिनके पोते ने कहा राम नहीं हुए, जिनके बाबा का नाम ही भगवान का पर्यायवाची था करुणा निधि जी, वो कहते हैं राम नहीं हुए, पोता बोला राम नहीं हुए, उन्होंने तो सनातन को भी बहुत बुरा कहा राम नहीं हुए, मैंने कहा राम नहीं हुए और बाबा हो गए तुम्हारे। बड़ा मुश्किल काम है। तो उन सबको ये समझना चाहिए कि राम कृष्ण और शंकर इस देश की सांस में समाए हुए हैं, इसके कण कण में समाए हुए हैं। इस देश में बड़ा अद्भुत, मैं तो हंसता हूं आनंद लेता हूं, आप भी लिया करो, गुस्सा मत हो ना, जितने लोग देख रहे हैं। 29 साल मुकदमा चला किस बात पे कि राम हुए या नहीं हुए, और आखिरी चरण में जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा था उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई तो कोर्ट बंद हो गया। तो मैंने मिलॉर्ड को फोन करा, मैंने कहा साहब अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। यार तो चलता रहता है, समय समय की बात है, कभी कभी पुलिस किसी की भैंस ढूंढती है और वक्त बदल जाता है तो पुलिस उसे ही ढूंढती है जी। आपने एक ऐसी बात बोली कि मेरा सवाल ही गले में रह गया, लेकिन सवाल को मैं वापस लाता हूं। सनातन को लेकर बहुत कुछ कहा गया बीते दिनों, स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कहा कि हिंदू एक धोखा है, आपने जिनका नाम लिया उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने भी सनातन को लेकर एड्स, कोविड, पता नहीं क्या क्या बोला। क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल दौर है इसमें हम भूल गए हैं कि मर्यादा क्या होती है? ये देश तो सनातनी है। देखो क्या है ना, ये पहले रामकृष्ण का देश है, पहले ये फार्मूला चला था जी। ये फार्मूला 65 साल चला इस देश में, जहां माइनॉरिटीज को यह बताया गया कि तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। माइनॉरिटी भले बिचारे, उन्होंने सोचा ऐसे ही होता होगा, वो भले होते रहे, कॉम्बिनेशन बनता रहा। हर कोरोना का वैक्सीन आता है, इस माइनॉरिटिज्म का वैक्सीन आया मेजोरिटिज्म जी। अब मेजोरिटिज्म ने बताया कि देखो ऐसा नहीं है, हम अगर एक साथ लड़ेंगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब सब जाति, सब चीजें एक विगलित हो गई और एक मेजोरिटी के लोग एक साथ इकट्ठे हो गए जी। सोचते पहले भी थे ये, सोचता पहले मैं भी था, पर मुझे लगता है यार मुझ में ही कुछ कमी होगी जो मेरे विचार से पॉलिटिकल पार्टियां डील नहीं कर रही। अब पॉलिटिकल पार्टीज आ गई जिनको पता है कि ऐसे करने से फायदा होगा, तो वो फायदा कर लेने आई है। आप अपना नुकसान लेके बाहर क्यों खड़े, आप भी फायदा लेने आ जाओ यार, इसमें क्या दिक्कत है? पर समझ नहीं आ रहा, चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, उसके बाद भी नहीं समझ रहे, लेकिन
राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन शिव के धाम जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे लेकिन किसी और मंदिर में चले जाएंगे, राम मंदिर नहीं आएंगे सुंदरकांड का पाठ कराएंगे दिल्ली में। क्या होता है, आपने क्रिकेट में एक एक खिलाड़ी के लिए कहते ना कदम फ्रीज हो जाना, उसमें आउट हो जाता है जी। खिलाड़ी कहता है मैं आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, आगे बढ़ूं कि पीछे जाऊं, सुंदरकांड करूं कि लंका कांड करूं, आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, उस चक्कर में खिलाड़ी आउट हो जाता है। जब आप कार सेवकों को याद करते हैं, मैं राम मंदिर की बात करता हूं, कार सेवकों को याद करते हैं और उस दौर की बात को देखते हैं कि क्या हुआ होगा, तो क्या मन में भाव आता है कुमार भाई? मैंने अपने जवानी का जो पहला आंदोलन देखा है जी, वो दो आंदोलन देखे, एक मंदिर आंदोलन और एक मंडल कमीशन जी। हम लोग 19-20 साल के थे और फिर आपने अन्ना आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ, वो भी खड़ा किया और अच्छा आंदोलन था, बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था, कोई दोराय नहीं है। किसी आंदोलन का आउटपुट क्या निकलता है ये अलग बात है, लेकिन आंदोलन बहुत बड़ा था और हमने अपनी पूरी जान लगाई, नौकरी छोड़ दी विश्वविद्यालय की, इस्तीफा देके चले आए, कांग्रेस सरकार थी उसके दमन चक्र के सामने खड़े हो गए। 77 के आंदोलन में हम बहुत छोटे थे, हमारे पिताजी पर प्रहार हुआ उस समय, लेकिन हमें पता नहीं था कि किस लिए हुआ। दो आंदोलन हमने देखे, मंडल आंदोलन से तो हमें समझ जगी कि इस देश में वंचितों का, दलितों का स्थान क्या है, उनकी समस्याएं क्या हैं, कितने हजारों वर्षों से जी सामाजिक रीति नीति के कारण उनका शोषण हुआ है, और इससे हमारी समझ जगी कि देश सोचता कैसे है। आप जो कह रहे हैं ना राम की आस्था, गांव में चले जाइए मेरे, सुबह को कान लगाइए दरवाजों पे, शाम तक 100 बार एक घर में राम का नाम होता है। अरे राम जी बरस जा, भाई राम जी कब बरसेगा, खाना खाया भाई आज तो राम जी ने आनंद कर दिया, अरे नाच जा राम जी के नाम पे ही मान जा, इतनी गालियां इतनी प्रशंसाएं, हर सांस में राम है। और आप सोचें कि उस विषय को आप इग्नोर कर दें तो फिर आपकी आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों भूल है। कार सेवकों का मैंने सवाल पूछा तो मन में भाव क्या आता है कुमार भाई? लोग कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इसका लाभ ले लिया, ये पॉलिटिकल पार्टी ने लाभ नहीं लिया, समाज में एक आंदोलन पैदा हुआ, समाज में लोगों की नाराजगी पैदा हुई और उन्होंने पॉलिटिकल लीडर खड़े करे, चाहे विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे आदरणीय अशोक सिंघल जी हो, चाहे लालकृष्ण अडवाणी हो, चाहे एकात्मकता रथ लेने वाले मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी के रस के सारथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन सब लोगों की राजनीतिक कुशलता और नेतृत्व इस जनता ने तैयार की, जो कह रही थी कि हमारा कोई नहीं सुन रहा, भैया हमारी सुन लो, इन्होंने कहा हम तुम्हारी सुनेंगे, हम खड़े हो जाएंगे, वो नेता बन गए। नेता कैसे बनता है? एक भीड़ में एक पुलिस वाला या एक कोई सरकारी कर्मचारी या एक कोई गुंडा, एक कोई बदमाश आदमी बदतमीजी कर रहा हो, 100 लोग देख रहे हो, एक लड़का खड़े होकर कहे ओए ये नहीं चलेगा, उसके पीछे लोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब आप, 200 जगह यही चल रहा था। आप इतने बड़े आंदोलन को इसलिए दबा रहे थे कि सरकारें नहीं थी, आप माइनॉरिटी वोट्स के सहारे चढ़े हुए थे, तो कुछ लोगों ने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। आज कह रहे हैं जी क्रेडिट ले रहे हैं, भैया वो क्यों नहीं क्रेडिट लेंगे, उन्होंने मेहनत कम करी है क्या? सरकार भी गवाही थी। मुझे याद है हापुड़ में चुनाव था, हमारे एक दोस्त बड़े भाई जैसे विधायक लड़े थे, जीत गए, विजेंद्र कुमार, दलित वर्ग से आते थे, बड़े भले आदमी हैं, अभी भी हैं। अटल जी की सभा थी, मैं उस सभा में उनके मित्र होने के नाते, परिवार के होने की व्यवस्था में था। अटल जी पीछे से चढ़े, एक महिला ने अटल जी को हाथ जोड़े, अटल जी ने उसके हाथ पकड़े और कहा माई भाजपा को वोट दीजो। पता है उस महिला ने क्या कहा? मिश भाई क्या कहा? उसने कहा लल्लू तुम राम के काजे 5 सरकार दे सको, हम एक वोट ना दे सके तुम्हें। अब आप बताइए इसका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन किसी पार्टी ने अगर किया, भारतीय जनता पार्टी सत्संग करने आई है, कांग्रेस जो है वो भंडारा खोलने आई है या कवि सम्मेलन कराने आई है? पॉलिटिकल पार्टी है, एक और भी पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी, ठीक है वो भी है, हमारा भंडारा था वो, हमें पूरी भी नहीं मिली, चप्पल और चुर गई। राम को लेकर जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बातें हुई वो एक अलग जगह है, अलग बात है, लेकिन आज के युग में राम का तात्पर्य क्या है आज की जनरेशन के अंदर आपके शब्दों में, क्योंकि वो आज का युवा जरूर जानना चाहेगा।
जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, युवा बैठे हैं जो देख रहे हैं, जय जय श्री राम, जय जय सिया राम, ये जो नारा है ये लगाना तब तक व्यर्थ है जब तक आपके जीवन में राम का आचरण नहीं है। राम का आचरण क्या है कि पिता ने कहा राज्याभिषेक नहीं, जंगल चला जा, कोई प्रश्न नहीं। मां ने पूछा बेटा क्या हो गया, तो बेटे ने कहा कि पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दे दिया। ये नहीं कहा छीन लिया, राज्य दे दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जही सब भांति मोर बड़ काजू। जहां मेरे सब बड़े काम मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, और राजा हो राम जैसा। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर बात बोली कि मित्र हो राम जैसा, पति हो राम जैसा, व्यक्ति हो इंसान हो तो राम जैसा। लेकिन राम जैसा बनना बहुत कठिन है। नहीं नहीं, कोई बन ही नहीं सकता। नहीं नहीं, राम ने कोई चमत्कार नहीं कराया जीवन में कि यूं करके उठाया तो इधर से कुछ निकल आया। नहीं, एक सामान्य मनुष्य जिस तरह लड़कर जूझकर सत्य के मार्ग पर चलकर असत्य को पराजित कर सकता है, भगवान के जीवन में वो सब कुछ हुआ है। पत्नी के अपहरण पर एक सामान्य मनुष्य की तरह भगवान रोए हैं, इतने बौराए हैं कि पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम एक एक पंक्ति जनता बोलती है और वो कहते हैं कि राम को कैसे निकालेंगे। रक्त है राम, मज्जा है, इस देश का डीएनए है राम, इसको कैसे निकाल दोगे आप। लेकिन अब तो अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की भी बात होने लग रही है। अयोध्या के बाद काशी बाद नहीं, मेरा कहना यह है कि इस देश में ऐसी समझ विकसित होनी चाहिए। मैं तो ये भी चाहता था कि पहले भी ये समझ विकसित होती, राजनीति ने नहीं होने दी कि देश के सारे वरिष्ठ नागरिक दोनों पक्षों के जी, इस्लाम मानने वाले हमारे मित्रों के पक्ष के भी और हमारे पक्ष के भी, शंकराचार्य गण, धर्म गुरु, जगत चेतना के लोग, वे सब इकट्ठे हों, 20 दिन 25 दिन चर्चा करें और जाके सुप्रीम कोर्ट में खुद कह के आए दोनों पक्ष कि साहब इन पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा मत लेने दो, सबको पता है राम कहां पैदा हुए, सबको पता है कृष्ण कहां पैदा हुए, सबको पता है कि काशी किनके लिए है, हम स्वतः ही ये जगह खाली करते हैं, आइए भगवान का घर है, हम सब मिलके बनाएंगे, आइए कि चलो अब लौट चले रघुराई, 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 जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में, हमने उमर खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। बहुत बहुत अभिनंदन कुमार भाई आपका, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोरदार तालियों से एक बार अभिनंदन करिए मनोज मुंतशिर का, हमारे बीच में है मनोज मुंतशिर जी। मनोज भाई, ये राम की कृपा है कि आपके गाने इस समय YouTube पर ट्रेंड कर रहे हैं, Instagram पे ट्रेंड कर रहे हैं। अगर कोई युवक रील लगाता है और गाना सर्च करता है कि किसका लगाना है, तो गाना मनोज मुंतशिर का आता है। गाने वाला कोई और हो सकता है, कभी जुबिन नौटियाल निकलता है, कभी विशाल मिश्रा निकलता है, लेकिन गीतकार आप आता है, ये तो राम की कृपा है। ये राम की कृपा है, और जिसने शब्द दिए, जिसने वाणी दी, वही मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहा है। सबसे जो बड़ी कृपा है वो आप लोगों की है कि आप लोग सुन रहे हैं,
और आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय सियाराम। साधु संतों के बीच में आज बताइए जो पहली पंक्ति है, एक से एक जिनको मैं सुन के बोलना सीखता हूं जी। अब आज मैं कह रहा था महंत जी से जी, आज मैं बोलूंगा नहीं मंच से, आज मैं तुतलाऊंगा, क्योंकि बोलना तो गया। जब ऐसे प्रबुद्ध लोग सामने, मेरे बड़े भाई सुधांशु जी जी, सुधांशु जी को सुन के पिछले कुछ दिनों में दिल पे हाथ रख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अगर मैं सनातन के बारे में, सनातन इतिहास के बारे में, भारत के गौरव के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मैं बिना सुधांशु जी को सुने बोलता हूं, ऐसा नहीं है। सब सुनते हैं आपको। बिल्कुल, विरोधी भी सुनते हैं तो यही बात कहते हैं। विरोधी तो सुनते हैं और विरोधी ज्यादा सुनते हैं हमसे क्योंकि ये विरोधियों को सुनाते भी खूब हैं जी। आज जब मैं यहां बैठा हूं तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जिन्होंने हमारे मन में श्री राम मंदिर बनाने का संकल्प जीवित कर दिया, लेकिन ये शुभ दिन देखने के लिए स्वयं जीवित नहीं रहे, उनको याद किए बिना हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते जी। मैं कुछ नाम लूंगा, आपकी तरफ से कुछ प्रणाम मैं स्वर्ग के पते पे भेजूंगा। एक एक नाम श्री राम मंदिर की आधारशिला में पत्थरों की तरह जड़ा हुआ है। अगर आपको लगे कि अपने इन पितरों के लिए आपके मन में कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए तो एक एक नाम के साथ मैं जय श्री राम का उद्घोष सुनना चाहता हूं। सबसे पहले जो मुझे नाम याद आता है वो है परम श्रद्धेय आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी। जय श्री। श्री कल्याण सिंह जी जो सत्ता के सिंहासन से उतर गए लेकिन कार सेवकों को गुंबद पर चढ़ाकर ही माने। मुझे याद आते हैं श्री अशोक सिंघल जी जिन्होंने सरजू के तट पे खड़े होकर कार सेवकों को ललकार दिया था कि आज भले सरजू का जल तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। फिर से आप कहेंगे जय श्री राम। मुझे याद आते हैं मराठा शेर श्री बाला साहेब ठाकरे। ठाकरे साहब से टीवी शो में पूछा गया, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? शेर दहाड़ के बोला, हाथ नहीं था मेरा पैर था, मैंने लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। हमें याद आते हैं हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जीवन भर मान जी जीवन भर गाते रहे अटल जी, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और लोग ये बाएं हाथ से जो इतिहास लिखते हैं ये उनका मजाक उड़ाते रहे, अटल जी मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। और देखिए श्री राम की लीला देखिए, संतों का आशीर्वाद देखिए कि राम मंदिर की डेट पूछने वाले आज आउटडेटेड होकर धूल फांक रहे हैं। और मैं अभी अयोध्या से आया हूं, वहां लाखों श्रद्धालुओं की पगधूली से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। तो सोता हुआ आकाश का रंग भगवा हो चुका है जैसे आपने बोला, तो क्या आपको लगता है जैसा आप कहते हैं आपके शब्दों में, सोता हुआ सनातन जाग रहा है? बिल्कुल, सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। और अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो 1895 में पहली बार मुकदमा दायर किया गया था और हम हिंदुओं ने कहा था कि वो सरजू का किनारा जो हमारे रामलला की जन्मभूमि है वो हमें दे दी जाए, बड़े अनुग्रह से बड़ी विनती करके हमने कहा था। ये 1895 की बात है और 2019 में 134 साल बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना वर्डिक्ट दिया कि हां सरजू का किनारा रामलला की जन्मभूमि है, किसी याबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं है। जय श्री राम। तो 134 साल हम इस देश में, अपने देश में, हिंदू राष्ट्र में, सुधांशु जी 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले बाबर आए थे कि पहले राम आए थे। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले त्रेता आया था कि पहले कलयुग आया था। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले अयोध्या पूरी बसी थी कि पहले उस समरकंद बसा था। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी कि पहले बाबर नामा लिखा गया था। क्या विडंबना है जी। हमें तो भुला दिया गया था ना कि हम कौन लोग हैं, हमें तो बता दिया गया था कि हम पद्दलित हैं, हम गुलाम रहे हैं पूरे जीवन। अचानक ये जो तारीख है, जिस तारीख को मैं समझता हूं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हर साल, 6 दिसंबर 1992 ने हमारे साथ वही किया हम हिंदुओं के साथ जो जामवंत ने बजरंगबली के साथ किया था।
हमें हमारा पौरुष याद दिला दिया, हमारा पराक्रम याद दिला दिया, और हमें याद आ गया कि हम किसके वंशज हैं। हम बप्पा रावल के वंशज, हम महाराणा प्रताप के वंशज, हम राजा भरत की संतान है। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं चौहान की संतान है। मैं एक बार ये बात पूरी कर दूं अमित जी, कि पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं, वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। बहुत शानदार। कहां तक कोई शब्द माला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में देके हथेली, गणित सीख लेता है बचपन हमारा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कन्हैया मित्तल भी है मेरे साथ, मेरे भाई कन्हैया जी। यार आपने तो कई गाने भी बनाए, तो एक हो जाए तो सबसे बड़ा गाना जो सब पसंद करते हैं वही सुना देता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जय श्री राम। क्या बात, बहुत। एक जो आपने लेटेस्ट सुना है उसका अगर मुखड़ा सुना के चले जाएं तो, अयोध्या के राजा भारत है आपका। कई लोग पूछते हैं भारत किसके बाप का है, तो उनको बता रहा हूँ भारत किसके बाप का है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जय सिया राम। बहुत धन्यवाद आपका कन्हैया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो राम का है वही काम का है, बिल्कुल। और कई बार कहा जाता है कि मोदी, नरेंद्र मोदी जो है इसको पूरा हाईजैक कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है, तो क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री हैं, 75 वर्षों में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मिला है जो अपने हिंदू होने पे गर्व करता है। और देखिए हमारा देश कितना विडंबनाओं से भरा हुआ है। जब ओबामा कहते हैं दैट आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन, हम कहते हैं वाह भाई क्या बात है, ही इज अ प्राउड क्रिश्चियन। एलानिया कहते हैं, वो भी एक सेकुलर देश के प्रेसिडेंट हैं, और जब यहां हमारे प्रधानमंत्री खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, भाई हिंदू कैसे कह दिया अपने आप को। मैं समझता हूं कि इस देश का सौभाग्य है कि आज प्रदेश से लेके और केंद्र तक ऐसे व्यक्तित्व सत्ता में विराजमान हैं जो अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, और ऐसे ही रहना चाहिए। ये माहौल, ये सिनेरियो कभी नहीं बदलना चाहिए जी। देखिए क्या है, इस देश को भगवान श्री राम से इतना प्रेम क्यों है कभी सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स, वो सवाल पूछते हैं, अरे यार साइंस कहां चला गया, आज हम मंगल पे जीवन खोज रहे हैं और तुम हजारों साल पुरानी कहानी के पन्ने खोल के बैठे हो, पगलाए हो क्या?
हम उनको बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है साहब, आज साइंस मंगल पे जीवन खोज रहा है, हमारे प्रभु श्री राम ने 7,500 वर्ष पहले जीवन में मंगल खोज लिया था, तो आप हमको बैकवर्ड कहते हैं, हमको तो आप बैकवर्ड लगते हैं। अगर आप मानस से नहीं सीख सकते, अगर आप श्री राम की मर्यादा से नहीं सीख सकते, उनके आचरण से नहीं सीख सकते, कौन है राम? चलिए एक रिकैप। अब ऐसा नहीं है कि यहां कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसको मैं बताऊंगा राम कौन है तो आप जानेंगे, लेकिन मेरे लिए राम कौन है, मैं व्यक्तिगत तौर पर श्री राम को कैसे देखता हूं, प्रभु को। मेरे लिए राम वो पुत्र हैं जो पिता की एक बात पर सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाते हैं। मेरे लिए श्री राम वो पति हैं जो सिंदूर की सौगंध निभाने के लिए भालुओं और वानरों की सेना लेकर संसार के सबसे बड़े शक्तिशाली असुर से टकरा जाते हैं जी। मेरे लिए श्री राम वो भाई हैं जो मूर्छित पड़े लक्ष्मण के सरहाने बैठ के मृत्यु को चुनौती दे देते हैं, आज या तो मेरा भाई आंखें खोलेगा या मैं भी अपनी आंखें मूंद के हमेशा के लिए यहीं सो जाऊंगा। मेरे लिए श्री राम वो राजा हैं जिनके नाम पर हमारे इस महान देश में राम राज्य की अवधारणा है, संविधान में श्री राम की छवि अंकित है। और मेरे लिए भगवान श्री राम मेरे प्रभु वो राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने अपने बाहुबल से जीती हुई सोने की लंका को ठोकर मार दी क्योंकि अवध की माटी बुला रही थी। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश स्वर्गादपि गरीयसी। ये बात हमने राष्ट्रभक्ति का पहला सबक, पहला पाठ लोग बताते नहीं है, लेकिन किससे सीखा है? इस देश ने भगवान श्री राम से सीखा है। और आज तक हमारी में जो राष्ट्रभक्ति बहती है, हमारे लिए स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? अब भारत का अभिमान, अभी थोड़े दिनों पहले एक छोटा सा देश है, कुछ अशोभनीय टिप्पणियां कर दी मालदीव्स ने हमारी भारत माता के लिए, हमारे भारत देश के लिए। हमने क्या किया, 24 घंटे के अंदर मालदीव्स का हुक्का पानी बंद कर दिया, उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री पर इतना बड़ा ताला टांग दिया हमने। लेकिन एक सवाल जो कि इस देश की एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा गैंग पूछता है कि राम आज के युग में क्या सिखा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि राम आज के युग में क्या सिखा रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लेते हैं। इस प्रश्न को, पहली चीज तो मुझे इस प्रश्न पर एतराज भी है कि ये प्रश्न ये देश पूछ रहा है, राम का देश पूछ रहा है, लेकिन चलिए पूछ ही लिया तो मैं बता रहा हूं। हमने, मैं ये प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं, इसकी एक बैकग्राउंड बता देता हूं। हाँ, लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं अस्पताल होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं स्कूल होना चाहिए, बिल्कुल, तो और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी नानी माँ ने बोला था कि बाबर की जमीन पे राम, मेरा राम उस मंदिर पे क्यों जाएगा। तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं कि वो राम के औचित्य पे सवाल उठा रहे हैं आज के दौर में। देखिए, बहुत आगे निकल चुके हैं हम सब 2024 में हैं, बहुत आगे जा चुके हैं हम कन्हैया बाबू। अब हमने पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सीख लिया है, हमने मछलियों की तरह समुद्र में तैरना सीख लिया है, एक ही चीज हम आज तक नहीं सीख पाए हैं, वो है इंसान की तरह जमीन पर रहना। और ये हमको कौन सिखाएगा? ये हमको प्रभु श्री राम सिखाएंगे। और ये लोग जो कहते हैं कि भाई वहां अस्पताल बनवा दो, स्कूल बनवा दो, बिल्कुल सही बात है, देश के कोने कोने में स्कूल होने चाहिए, चिकित्सालय होने चाहिए, लेकिन ये कहां लिखा है कि वो उसी धरती पे बने जहां हमने इतने वर्षों राम मंदिर की प्रतीक्षा की है? और अगर चिकित्सालय जाके शरीर स्वस्थ होता है तो मंदिर जाके गुरुदेव आत्मा स्वस्थ होती है, वो भी तो होना ही चाहिए, वो भी तो बनना ही चाहिए। ये भी कहते हैं कि रोगों का और संकटों का भी नाश करते हैं बजरंग बली, और कहते हैं कि राम के पास अगर जाना हो, राम के दिल में अगर उतरना हो तो हनुमान से बड़ा उनका कोई दास नहीं, उनका कोई भक्त नहीं। बिल्कुल, क्या अद्भुत छवि है हमारे बजरंग बली की, सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, सिंदूर तन पे मल के ज्वाला से जगमगाएं, कानों के दोनों कुंडल तारों से झिलमिलाएं, संभव नहीं हमारे ये पांव लड़खड़ाएं, थामे हुए हैं हमको हनुमान की भुजाएं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की। बहुत शानदार, बहुत शानदार। लेकिन क्योंकि बात हो रही है तो थोड़ी बात आदि पुरुष की भी कर लेते हैं अगर उसकी बात नहीं होगी तो अधूरा रह जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ क्यों हुआ? कहते हैं होई सोई जो राम रची राखा, जो राम ने दिया वो तो होना ही है। आपको अफसोस होता है, गुस्सा आता है, या लगता है कि
करा किसी ने, भरा किसी ने। मैंने तीन ऑप्शन भी दे दिए आपको। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। वो सरफिरी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। बाकी गुरुदेव बैठे हुए हैं, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, ये मेरे परिवार के लोग हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश आता हूं तो ये लोग मेरे लिए कोई दर्शक और श्रोता नहीं है, मेरा परिवार है। ये भी जानते हैं मैं अंदर से कौन हूं। गलती हो गई मुझसे और ये गलती मैंने सिर झुका के इस देश के तमाम संतों महात्माओं से सिर नवा के माफी मांगी कि मैं होम करने चला था, मेरे हाथ जल गए। मेरी नियति में दोष नहीं था, मेरे उद्देश्य में दोष नहीं था, लेकिन गलती हो गई। तो आज इस मंच पर यह बैठ के कहूं कि नहीं, मैंने तो सब कुछ बड़ा अच्छा किया, आपको समझ में नहीं आया, तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आप श्री राम के भक्त हैं, आप पवन पुत्र हनुमान के भक्त हैं। अगर आपको मेरे लिखे हुए शब्दों पर एतराज है तो वो शब्द एतराज के लायक हैं, गलती मेरी है, किसी और की नहीं। और एक बात बताइए, जब यही लोग, यही मेरे भाई, यही संत महात्मा, जब मैंने बाहुबली के डायलॉग्स लिखे और ये मेरी पीठ ठोकते रहे, मुझे अपने कंधों पर बिठाते रहे, तब तो मैंने इनसे सवाल नहीं किया, वाई मी। जब मैंने तेरी मिट्टी लिखा और इस देश के हर सैनिक ने मुझे सलामियां भेजी, मुझे प्रेम भेजा, मुझे आशीर्वाद भेजा, तब तो मैंने नहीं पूछा वाई मी। आज अगर ये मेरे शब्दों पे एतराज कर रहे हैं, इनको आपत्ति है, तो मैं इनसे पूछूं वाई मी, वो भी इनका आशीर्वाद है। और एक बार क्षमा मांगी है मैंने इनसे, एक बार। हमारे देश ने मर्यादा और क्षमाशीलता और सहनशीलता भगवान श्री राम से सीखी है। एक बार एक मंच पे खड़ा होके मैंने सर झुका दिया, मैंने कहा मुझसे गलती हुई, इन्होंने क्षण भर में मुझे माफ किया है, क्षण भर में। इतना बड़ा मन है इनका, इतना बड़ा दिल है इनका। अब वो कुछ आपने जो शब्द लिखे हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। ये हर्ष है, ये उल्लास है, ये सबके मन की भावना है। लेखनी मेरी है, शब्द मेरे हैं, लेकिन भावना आप सबकी है कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए। बजाया जाए ढोल। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी, तब आई है सवारी। संदेशे आज खुशियों के, हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर। भारत काम कला निधि कोट, काग के भाग बड़ी सजनी हरी, हाथ से ले गौ माखन रोटी। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए। नहर में कूद कर बचाया तीनों युवकों को, पहुंचाया गया अस्पताल। छतरपुर में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। होली मिलने के बहाने आए थे युवक, युवक के सिर में मारी गोली। एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा। निवाड़ी में रफ्तार का कहर, बिजली के पोल से टकराई कार, हादसे में एक की मौत, दूसरा घायल। उज्जैन में पति ने की पत्नी की हत्या, गोली मारकर उतारा मौत के घाट। चरित्र शंका में हत्या, थाना नागझिरी क्षेत्र का मामला। हरदा में फैक्ट्री ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने पहुंचे कलेक्टर और एसपी, पीड़ितों को गुलाल लगाकर दी होली की शुभकामनाएं। रीवा की मछली मार्केट में लगी आग, कचरे में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू। रीवा में बदमाशों ने काटा बवाल, शराब के लिए मांगे पैसे, पैसे नहीं मिलने पर मारपीट, पुलिस पर चाकू से किया हमला। सीएम यादव का आज जन्मदिन, सीएम हाउस में मनाएंगे जन्मदिन, 59 साल के हुए सीएम यादव। ग्वालियर के सराफा बाजार में मारपीट, दो युवकों में हुआ था झगड़ा, पुलिस ने पहुंचकर मामला कराया शांत। रायपुर में युवक की हत्या, चाकू से गोदकर हत्या, बीएसयूपी कॉलोनी में वारदात। जशपुर में होली पर पुलिस की कार्रवाई, अंग्रेजी शराब के साथ ही ढाबा संचालक को किया गिरफ्तार, शराब की 75। स्वागत करिए अन्नू कपूर का, वंदे मातरम की आवाज जो है वो इस हॉल में गूंजनी चाहिए। वंदे वंदे वंदे।
ब्रजभूमि में जब प्रसाद घोटा जाता है तो स्वयं नहीं खाया जाता है, आवाहन किया जाता है, पड़ोसियों को सबको बुलाया जाता है, भैया हमने प्रसाद घोटा है, आप आइए और प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद खाइए और भजन कीजिए आप। तो वो कैसे बुलाते, ए भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया रामगढ़ वाले, ओ भैया सामगढ़ वाले, ए भैया रामगढ़ वाले, ए भैया सामगढ़ वाले, ए जसोदा के नंदन ब्रज के राजा, और जाए लड्डू खानो है नूजे टीम में आ जा, ए रात शाम ए सपने में आए, अरे दहिया पी गए सरा रा 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 रा, दहिया पी गए वाचविको रसखान विलोकत, वाचविको रसखान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, वाचविको रसखान विलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़ी सजनी हरी, हाथ से ले गाओ माखन रोटी, दहिया पी गए पकड़ी, चूनर कर गई भारत की संस्कृति। वंदे मातरम की हम बात कर रहे हैं, यहां बहुत सारे जवान भी हैं, देश के युवा भी हैं, एक बारी कुछ हो जाए वंदे मातरम जी। देखिए आज होली है, लाली मेरे लाल की जित देखूं लाल, ए लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, ये आज रंग है ए मां रंग है री है, रंग है री हे आज रंग है, हे माँ रंग है री हे आज रंग है, हे माँ रंग है री हे आज रंग है, हे मेरे महबूब के घर रंग है री, ऐसो रंग और नहीं देखो सखीरे में तो, ऐसो रंग और नहीं देखो सखीरे में तो, ऐसो रंग और सुनिएगा, ऐसो रंग और नहीं देखो सखीरे, प्रेम के मैं रंग फेंकूं, प्रेम के मैं रंग फेंकूं, बिन तुम्हारे कुछ ना देखूं मैं तो, ऐसो रंग और नहीं देखो सखीरे में तो, ऐसो रंग और नहीं देखो सखीरे में तो, ऐसो रंग और नहीं देखो सखीरे, देश विदेश में ढूंढी फिरी हूँ, 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 देश विदेश बजे सरगम, हर तरफ से
गूंजे बन के तेतरार, गूंजे बन के तेतरार, गूंजे बन के तेतरार, 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 सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय तेरी अखी जय धरा।